अगर आपको आपकी ब्रा का साइज नहीं पता कि वो 36B है, 34A है या 34B है, तो ये वीडियो देखते जाइए, क्योंकि अगर हम राइट साइज की ब्रा नहीं पहनते हैं तो फ्यूचर में जाके हमको शोल्डर पेन, बैक पेन और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्रेस्ट सैगिंग होता है, जो कोई भी लड़की नहीं चाहती, राइट? सो मेजर करने के लिए हमको चाहिए एक इंच टेप या मेजरिंग टेप, लेकिन सही तरीके से कैसे मेजर करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज, हमको दो चीज जाननी चाहिए, एक होता है बैंड साइज और एक होता है कप साइज, क्योंकि ब्रास में ना अलग अलग साइजें होती है। सपोज मान लो कि आपका साइज 32 है, तो वो क्या है, 32A है, बी है, सी है, डी है, तो वो जो ए बी सी डी होता है वो होता है कप साइज, और जो वो 32, 36, 34 सिर्फ इवन नंबर्स ही होते हैं, ऑड नंबर्स नहीं होते हैं, तो वो होता है आपका बैंड साइज। तो सबसे पहले चीज हम मेजर करेंगे बैंड साइज को। बैंड साइज ये होता है आपके ब्रेस्ट के सबसे नीचे जो पोर्शन होता है, एकदम जब एंड होता है ना ब्रेस्ट, तो वहां पे आप मेजर करोगे एक मेजरिंग टेप लेके। बट ध्यान रहे ये बात का कि वो एक ही सर्कल में हो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना हो इस पिक्चर की तरह। और जब मेजर कर रहे हो तो प्रॉपर फिटेड वाली ब्रा पहनना, पैडेड मत पहनना, वायर्ड मत पहनना, क्योंकि प्रॉपर साइज नहीं मिलेगा। सो जस्ट वेयर अ प्रॉपर फिटेड ब्रा, स्ट्रैप से एडजस्ट कर लेना आपकी ब्रा को टू जस्ट सी कि वो परफेक्ट है। तो जब आप मेजर कर रहे हो वो इवन नंबर में ही आना चाहिए। अगर 33 आ गया तो आप नेक्स्ट नंबर ले सकते हो या उसके पहले वाला, डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट। अगर पॉइंट्स में भी आए तो आप सेम कर सकते हो, या तो नेक्स्ट या उसका प्रीवियस नंबर ले सकते हो, बट इवन ही। दूसरी चीज है कप साइज। कप साइज ये होता है जो आपका जो ब्रेस्ट का फुलेस्ट पार्ट होता है, आपको वो मेजरिंग टेप लेके नॉर्मली आपको मेजर करना है। बस ये ध्यान रहे कि ज्यादा टाइट ना रहे और ज्यादा लूज ना रहे। तो मान लीजिए आपका कप साइज आया 35 एंड बैंड साइज था 32, तो उन दोनों को हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस था 3। तो 3 मतलब ए बी सी, तो आपका साइज होगा 32C। ऐसे ही अगर डिफरेंस 2 आता तो होता ए बी 32B। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका कप साइज ए है, बी है, सी है, डी है, एक्सेट्रा। तीन चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपका जो पीछे का स्ट्रैप है वो ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए और या ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट फिट होना चाहिए वो, और वो स्ट्रैप भी लूज नहीं होना चाहिए, तो वो एक चीज आप ध्यान रखें। दूसरी चीज, जब आप यहाँ पे जो स्ट्रैप्स देखते हो अपना, तो वो आपकी बॉडी में मतलब एक निशान नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब वो बहुत टाइट है और आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, तो वो एक चीज ध्यान रहे। तीसरी चीज आपको ये ध्यान करनी है, जो साइड से अगर स्किन आपकी बाहर स्पिल कर रही है तो वो आपका परफेक्ट साइज नहीं है। आपको मोस्टली कॉटन की ब्रास ही पहननी है अगर आप घर पे रहो, जो मोस्टली सब अभी घर पे ही है, तो कॉटन की ब्रास बहुत कंफर्टेबल होती है। अवॉइड वेयरिंग ज़्यादा पैडेड वाली ब्रास, वायर्ड ब्रास, ये सब। और एक चीज़, मोस्ट लड़कियों का ये प्रॉब्लम होता है कि जब कॉटन की ब्रास पहनते हैं तो वो पैडेड नहीं होता, तो जब वो डॉट्स या निपल्स दिखता है तो वो बहुत अनकंफर्टेबल रहता है। तो इसके लिए आप स्टिकॉन्स ले सकते हो, अमेजोन पे मिलता है, कुछ 200-250 रुपीज़ का होता है। यू कैन यूज़ इट आई थिंक फॉर 1-1.5 मंथ, तो बहुत अच्छा रहता है। यूज्ड इट, इट्स रियली गुड। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्टिक, यू रन, यू जंप, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू दैट। तो या यू कैन यूज दैट, एंड या दैट्स इट फॉर दिस टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लर्न समथिंग फ्रॉम इट, एंड यू कैन टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशंस टू गेट नोटिफाइड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस। सो टैप ऑन दोस 3 डॉट्स एंड टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशंस टू गेट नोटिफाइड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।